कर्नाटक में कांग्रेस ने भाजपा को पछाड़कर बहुमत हासिल कर लिया है। यहाँ पर कई फैक्टर्स ने कांग्रेस के पक्ष में काम किया, लेकिन सबसे अहम रहा लिंगायत और वोका लिगा उम्मीदवारों की विजयी प्रदर्शन। इस मामले में उसने भाजपा और जनता दल सेक्युलर से बेहतर परिणाम दिया है। कर्नाटक के तीनों प्रमुख दलों के विजेता उम्मीदवारों की जीत का विश्लेषण करने के बाद सामने आए आंकड़े यही चीज दिखाते हैं। गौरतलब है कि दक्षिण का द्वार कहे जाने वाले इस प्रदेश में 10 मई को वोटिंग हुई थी। इसके बाद 13 मई को चुनाव परिणाम जारी हुए, जिसमें 135 सीटें जीतकर कांग्रेस ने बहुमत हासिल किया है। वहीं भाजपा ने यहां पर 65 और जेडीएस ने 19 सीटों पर जीत हासिल की। लिंगायत में शानदार स्ट्राइक रेट। कांग्रेस ने कर्नाटक में 51 लिंगायत उम्मीदवारों को उतारा था, जिसमें से 38 को जीत मिली। वहीं भाजपा के 68 लिंगायत उम्मीदवारों में से महज 18 ही जीत हासिल कर सके। जेडीएस ने कुल 44 लिंगायत उम्मीदवारों को मौका दिया था, जिसमें से 2 को ही जीत मिली। लिंगायत उम्मीदवारों के मामले में कांग्रेस का स्ट्राइक रेट एसटी उम्मीदवारों के बाद दूसरे नंबर पर रहा। कांग्रेस ने कुल 17 एसटी उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें से 15 ने जीत हासिल की। पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, जो कि एक बार फिर मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल हैं, कोरबा समुदाय से आते हैं। कांग्रेस के ज्यादातर लिंगायत उम्मीदवारों ने प्रदेश के उत्तरी हिस्से से जीत हासिल की है। हालांकि कांग्रेस का प्रदर्शन वोका लिगा समुदाय में भी बहुत खराब नहीं रहा। बता दें कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार भी वोका लिगा समुदाय से ही आते हैं और वो भी सीएम पोस्ट की रेस में हैं। वोका लिगा में भी बेहतर रहा प्रदर्शन। कांग्रेस ने वोका लिगा समुदाय के 42 उम्मीदवारों को टिकट दिया था, जिसमें से 22 ने जीत दर्ज की और स्ट्राइक रेट रहा 52.38%। भाजपा ने भी 42 वोका लिगा उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था, लेकिन इनमें से केवल 10 ही जीत सके। दूसरी तरफ जेडीएस को भी वोका लिगा समुदाय की पार्टी मानी जाती है। उनके 54 में से मात्र 11 वोका लिगा उम्मीदवारों को ही जीत हासिल हुई। बीजेपी का आरक्षण कार्ड हुआ फेल। कांग्रेस ने एसटी समुदाय के साथ साथ एससी और अन्य पिछड़ी जातियों की श्रेणी के बीच भी भाजपा से बेहतर प्रदर्शन किया। ये स्पष्ट होता है कि भाजपा द्वारा इस श्रेणियों के लिए आरक्षण में इजाफा करने का दाव काम नहीं आया। कांग्रेस के लिए अहिंदा लिंगा गठजोड़ ने अच्छा काम किया। अहिंदा से आशय दलित, मुस्लिम और अन्य पिछड़ी जातियों से है। एकमात्र श्रेणी जहां पर भाजपा का स्ट्राइक रेट कांग्रेस से बेहतर है और वो है ब्राह्मण समुदाय में। भाजपा ने 13 ब्राह्मण प्रत्याशियों को मैदान में उतारा था, जिसमें से 8 को जीत मिली और उनका स्ट्राइक रेट 51.54% रहा। वहीं कांग्रेस के 7 ब्राह्मण उम्मीदवारों में से महज 3 ही जीत सके, जो कि विभिन्न समुदाय में सबसे कमजोर स्ट्राइक रेट 42.86% रहा।